हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में, लेकिन मॉडल वर्ब्स का कुछ एक विशेष प्रकार का आज प्रयोग करेंगे। ये होगा दोस्तों पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड के लिए। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है दोस्तों संभावना लगाना या अनुमान करना। यानी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में अनुमान लगाने की बात करते हैं, संभावना लगाने की बात करते हैं, तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं दोस्तों कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट टू, इन सभी के साथ में प्लस बी यानी बी का प्रयोग करके, जैसे कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, मस्ट बी, यानी प्लस बी करते हुए इनका प्रयोग जो है संभावना के लिए किया जाता है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जब इन सभी के साथ में बी का प्रयोग हो जाएगा तो ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि इनके बाद आने वाला शब्द कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, सिर्फ वो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया वाला शब्द यानी कि प्ले, गो, कम, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो शब्द यूज है वो अलग तरह का है। दोस्तों पैसिव वॉइस में जो है हम इन सभी के साथ में बी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये वाला जो प्रयोग रहेगा इसका अगली क्लास में देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ में आपको बी का प्रयोग करना है, इनके प्रयोग से संभावना का पता चलेगा। जैसे ये सेंटेंस है दोस्तों, आप देखिए, अगर हमें कहना है कि वह डॉक्टर हो सकता है तो हम बोलेंगे ही कैन बी अ डॉक्टर, ये बी लगेगा दोस्तों, और यहाँ पर हमने एक नाउन का यूज किया है, वह डॉक्टर हो सकता है तो हम कहेंगे ही कैन बी अ डॉक्टर। वह इंजीनियर हो सकता है, ही कैन बी एन इंजीनियर। वह मोहित हो सकता है, ही कैन बी मोहित। वह उसके पिताजी हो सकते हैं, ही कैन बी हिज फादर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कैन का यूज किया, लेकिन आप प्रैक्टिस करें इन सभी मॉडल के साथ में कैन के अलावा यहाँ कुड का, मे, माइट, बिल, वुड या शैल और शुड का प्रयोग भी हो सकता है। आप इसको कह सकते हैं ही विल बी अ डॉक्टर, ही शुड बी अ डॉक्टर, ही मस्ट बी अ डॉक्टर, ही माइट बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर, ये सारे सेंटेंस करेक्ट हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हमने देखा, अगर हमें कहना है कि वह खुश हो सकती है, वैसे बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, वह खुश हो सकती है, वह बीमार हो सकती है, वह परेशान हो सकती है, वह उदास हो सकती है, तो इस तरह के सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा वह खुश हो सकती है तो हम कहेंगे शी मे बी हैप्पी, वह बीमार हो सकती है शी मे बी इल, वह अच्छी हो सकती है शी मे बी गुड, वह इंटेलिजेंट हो सकती है शी मे बी इंटेलिजेंट, शी मे बी चीयरफुल, शी मे बी केयरफुल, शी मे बी अपसेट नाउ, शी मे बी बिजी। यानी दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शी के साथ में यहाँ पर मे बी का यूज कर रहे हैं। अब मे के प्लेस पर आप इसको जो है अदर मॉडल वर्ब का प्रयोग करके भी कह सकते हैं, शी विल बी हैप्पी, शी मस्ट बी हैप्पी, शी कुड बी हैप्पी, शी कुड बी इल, शी माइट बी हैप्पी। तो दोस्तों बड़ा आसान है, मे माइट का यूज करें, कैन कुड का यूज करें, बस उसके साथ बी लगा दें। कुछ और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। हमें कहना है वे क्लास में होंगे, वे अवश्य ही क्लास में होंगे, तो आप कहेंगे दे मस्ट बी इन द क्लास, दे मस्ट बी इन द क्लास। वे गार्डन में होंगे, दे मस्ट बी इन द गार्डन। वे कैंटीन में होंगे, दे मस्ट बी इन द कैंटीन। हमें मालूम है कि चूंकि ये मॉडल वर्ब्स हैं तो इनके साथ में हम जरूर नहीं कि हमेशा ही, शी या दे का यूज, कोई भी सब्जेक्ट यूज हो सकता है। हमें कहना राहुल क्लास में होगा, राहुल मस्ट बी इन द क्लास। मोहन क्लास में होगा, मोहन मस्ट बी इन द क्लास। राहुल और मोहन क्लास में होंगे, राहुल एंड मोहन मस्ट बी इन द क्लास। पापा घर पर होंगे, पापा मस्ट बी एट होम। पापा विल बी एट होम, पापा कैन बी एट होम, पापा कुड बी एट होम। वे अपने माता पिता के साथ होंगे, दे मस्ट बी विद दियर पेरेंट्स, दे मस्ट बी विद दियर पेरेंट्स। वह गार्डन में होगा, ही मस्ट बी इन द गार्डन, दे मस्ट बी इन द गार्डन, शी मस्ट बी इन द गार्डन, पापा मस्ट बी इन द गार्डन, मामा मस्ट बी इन द गार्डन, राहुल मस्ट बी इन द गार्डन। यानी किसी भी सब्जेक्ट का यूज करके इन सेंटेंस को बोलें दोस्तों। विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में कहेंगे, ये महंगा होगा, इट मस्ट बी एक्सपेंसिव, इट मस्ट बी एक्सपेंसिव। ये उपयोगी होगा, इट मस्ट बी यूजफुल। ये बहुत रुचिजनक होगा, इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर इट के प्लेस पर हम कोई वस्तु ले सकते हैं दोस्तों। दिस मोबाइल मे बी कॉस्टली, दिस कंप्यूटर मे बी वेरी गुड,
दिस बुक मे बी वेरी यूजफुल। इसी प्रकार कोई प्लेस के नाम ले सकते हैं, इट मे बी अ वेरी गुड सिटी, दैट मे बी अ वेरी बिग सिटी, इट मस्ट बी अ स्मॉल विलेज, इट मस्ट बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सो दोस्तों ये था मॉडल वर्ब्स के साथ में वी लगाने के बाद में संभावना के लिए जो सेंटेंस हम प्रयोग करते हैं उसके लिए हम इन मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करें। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करें दोस्तों। ज्यादा प्रैक्टिस का मतलब है ज्यादा अच्छा सीखना। आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।